नमस्कार दोस्तों, 25,000 का बजट बेस्ट होता है किसी भी कैटेगरी का स्मार्टफोन परचेज करने के लिए। दोस्तों, अगर आप व्लॉगिंग, वीडियो क्रिएटिंग या फोटोग्राफिंग के लिए बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं 25,000 के बजट में, तो आप सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको टॉप 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा जो कि 25,000 के बजट में आते हैं। इन स्मार्टफोन में आपको कैमरे के साथ साथ आपको बेस्ट प्रोसेसर देखने मिलेगा, लॉन्ग बैटरी देखने मिलेगी और अच्छी खासी डिस्प्ले भी देखने मिलेगी। वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को पूरा देखना, तभी अपने लिए बेस्ट स्मार्टफोन चूज कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बिना किसी इंट्रो के साथ वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हम 5th नंबर से करें, तो 5th नंबर पे नाम आता है Realme 10 Pro 5G का। चलिए दोस्तों, हम स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की शुरुआत इसके डिजाइन से करें, तो स्मार्टफोन का बैक पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। इस स्मार्टफोन का वेट 190 ग्राम है और ये स्मार्टफोन 8.1 mm की थिक के साथ आता है। और इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। कलर ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो ये आपको मार्केट में 3 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन में आपको लाउड स्पीकर और 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको 5G का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। चलिए अब हम नज़र डालें स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन के ऊपर, तो इसमें आपको 6.72 inch का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 6 nm फैब्रिकेशन पर काम करता है। और इस स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। चलिए अब हम नज़र डालें अपने वीडियो के टॉपिक यानी कि इसके रियर कैमरे के ऊपर, तो इसके रियर में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 108MP का इसका प्राइमरी कैमरा होगा। और सेकेंडरी कैमरा आपको 2MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिलेगा जिससे आप Full HD 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इस स्मार्टफोन के कैमरे में ISO सेल का सेंसर यूज़ किया गया है और आपको पता ही है कि कैमरे के लिए सेंसर बेस्ट माना जाता है। चलिए अब हम बात करें स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे के बारे में, तो स्मार्टफोन में आपको 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन 5000mAh बैटरी के साथ आता है जो कि 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करें स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में, तो ये स्मार्टफोन आपको 20,999 रुपए में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए 4th नंबर के बारे में हम बात करें, तो 4th नंबर पर नाम आता है IQ G6 Pro का। पहले तो हम स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में हम बात करें, तो स्मार्टफोन का बैक पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। वेट के बारे में हम बात करें तो स्मार्टफोन का वेट 180 ग्राम है और ये स्मार्टफोन 8.4 mm की थिकनेस के साथ आता है। कलर ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो ये आपको मार्केट में 2 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन में आपको लाउड स्पीकर और USB Type-C का ऑडियो जैक देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन 5G सपोर्ट के साथ आता है। चलिए अब हम नज़र डालें स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन के ऊपर, तो इसमें आपको 6.44 inch का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और इस स्मार्टफोन में आपको चिपसेट के तौर पर इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 6 nm फैब्रिकेशन पर काम करता है। और इस स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। चलिए अब हम नज़र डालें स्मार्टफोन के रियर कैमरे के ऊपर, तो उसके रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 64MP का इसका प्राइमरी कैमरा होगा। अदर कैमरे के तौर पर इसमें आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा जिससे आप 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और फ्रंट में आपको वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। ये रही स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में बात। अब हम स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ के ऊपर नज़र डालेंगे। स्मार्टफोन में आपको 4700mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। और ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। ये रही स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन। अब हम स्मार्टफोन के प्राइस के ऊपर नज़र डालें। स्मार्टफोन का प्राइस 21,999 रुपये है। दोस्तों, अब हम बात करें 3rd नंबर की, तो 3rd नंबर पे नाम आता है Redmi K50i का। दोस्तों, अगर आप बेस्ट कैमरे के साथ साथ बेस्ट प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए अब हम स्मार्टफोन के गुणगान की शुरुआत, पहले हम स्मार्टफोन के डिज़ाइन से करें, तो स्मार्टफोन का बैक पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। वेट के बारे में हम बात करें, स्मार्टफोन का वेट 200 ग्राम है और ये स्मार्टफोन 8.8 mm की थिकनेस साथ आता है। कलर ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो ये आपको मार्केट में 3 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा। और पानी की हल्की फुल्की बूंदों से बचाने के लिए इसमें आपको IP53 की रेटिंग भी देखने को मिलेगी। और इस स्मार्टफोन में आपको लाउड स्पीकर, 3.5 mm का ऑडियो जैक और 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा।
ये थे स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में बात। अब हम स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन की शुरुआत हमेशा एक तरह की डिस्प्ले से करें तो इसमें आपको 6.6 इंच का आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जिसमें आपको कोरलिंग गोरिल्ला ग्लास V5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। और गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए आपको मीडियाटेक डिमेंसिटी 8100 का बेहतरीन 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिससे आप दुनिया की हैवी से हैवी गेमिंग को हाई ग्राफिक पर खेल पाएंगे और मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करें स्मार्टफोन की रैम के बारे में। तो स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 64MP का इसका प्राइमरी कैमरा होगा। अदर कैमरे के तौर पर इसमें आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा, जिसपे आप 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और फ्रंट में आपको 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करें स्मार्टफोन के बैटरी लाइफ के बारे में। तो इसमें आपको 5080mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए सेकंड नंबर के बारे में हम बात करें। तो सेकंड नंबर पे नाम आता है सैमसंग गैलेक्सी M53 5G का। दोस्तों अगर आप सैमसंग का कोई कैमरा स्मार्टफोन परचेज करना चाहते थे, मेरे ख्याल से ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए अब हम स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की शुरुआत इसके डिजाइन से करें। तो स्मार्टफोन का बैक पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। वेट के तौर पर स्मार्टफोन का वेट 176 ग्राम है और ये स्मार्टफोन 7.4mm की थिकनेस के साथ आता है। कलर ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो ये आपको मार्केट में 2 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन में आपको लाउड स्पीकर और USB टाइप सी का ऑडियो जैक देखने को मिलेगा और ये स्मार्टफोन 5G सपोर्ट के साथ आता है। ये थे स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में बात। अब हम स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन के ऊपर नजर डालें तो इसमें आपको 6.7 इंच का सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, जिसमें आपको कोरलिंग गोरिल्ला ग्लास V5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। और गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए इसमें आपको मीडियाटेक डिमेंसिटी 900 का बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिससे आप स्मूथली गेमिंग और मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। और स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। चलिए अब हम बात करें अपने वीडियो के टॉपिक यानी इसके रियर कैमरे के बारे में। तो इसके रियर में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 108MP का इसका प्राइमरी कैमरा होगा। अदर कैमरे के तौर पर इसमें आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2MP का मैक्रो कैमरा और 2MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिलेगा, जिससे आप 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और फ्रंट में आपको 32MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जिससे आप HD में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी ले पाएंगे। और ये स्मार्टफोन 5000mAh की बैटरी के साथ आता है, जिसमें आपको 25W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करें स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आपको 23,999 रुपये में मिल जाएगा। सो दोस्तों फाइनली अब हम बात करें फर्स्ट नंबर की। तो फर्स्ट नंबर पे नाम आता है मोटोरोला एज 30 का। इस स्मार्टफोन के गुणगान की शुरुआत इस स्मार्टफोन के डिजाइन से करें। स्मार्टफोन का बैक पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। इस स्मार्टफोन में आपको ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। वेट के बारे में हम बात करें, स्मार्टफोन का वेट 155 ग्राम है और ये स्मार्टफोन 6.7mm की थिकनेस के साथ आता है, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन काफी स्लिम और काफी हल्का स्मार्टफोन है। चलिए अब हम नजर डालें स्मार्टफोन के कलर ऑप्शन के ऊपर। तो ये स्मार्टफोन आपको 2 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा। और पानी की हल्की फुल्की बूंदे से बचाने के लिए इसमें आपको IP52 की रेटिंग भी देखने को मिलेगी। और इस स्मार्टफोन में आपको लाउड स्पीकर और USB टाइप सी का ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा। चलिए अब हम स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन की शुरुआत इसकी डिस्प्ले से करें। तो इसमें आपको 6.5 इंच का POLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो की 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जिसमें आपको कोरलिंग गोरिल्ला ग्लास V3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। और गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस का बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 6nm फैब्रिकेशन पर काम करता है। और स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। चलिए अब हम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए इसके रियर कैमरे के ऊपर नजर डालें। तो इसके रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 50MP का इसका प्राइमरी कैमरा होगा। अदर कैमरे के तौर पर इसमें आपको 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2MP का डेप्थ कैमरा देखने को मिलेगा। और इस स्मार्टफोन में आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जिससे आप 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और स्मार्टफोन के कैमरे आपको डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का भी फीचर देखने को मिलेगा। चलिए अब हम वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इसके फ्रंट कैमरे के बारे में हम बात करें। तो इसके फ्रंट में आपको 32MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा और ये स्मार्टफोन 4020mAh की बैटरी के साथ आता है जो कि 33W टर्बो चार्जिंग सपोर्ट करती है। और स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों अब हम लास्ट में बात कर लें स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आपको 24,499 रुपये में मिल जाएगा।
सो दोस्तों ये थे टॉप 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन जो कि 25,000 के बजट में आते हैं। वैसे तो आप इन 5 कैमरा स्मार्टफोन को देखकर तो आप कंफ्यूज हो ही गए होंगे इन 5ों में से कौन सा स्मार्टफोन परचेज करें। अगर मैं आपको एक कैमरा स्मार्टफोन सजेस्ट करूं तो मेरे हिसाब से आपको सैमसंग गैलेक्सी M53 5G स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कैमरे के साथ साथ एक अच्छा खासा प्रोसेसर भी देखने को मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि काफ़ी रिसर्च और काफ़ी मेहनत के बाद ही हम आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन की लिस्ट ले आ पाते हैं। आपका ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, जय हिंद।